अगर फ्रेंड्स आपके पास मोटो का G52 है और आपको इस फोन में एप्लीकेशन हाइड करना है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कैसे इस फोन में आप एप्स को हाइड कर सकते हैं, उनको एक्सेस कैसे करेंगे जो अपने आपने हाइड करके रखे हुए, और हाइड एप्स को आप दोबारा से अनहाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो कंप्लीट देखना है, जो भी स्टेप इस वीडियो में बताए उन्हें फॉलो करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम रहेगा यूलाइट लॉन्चर, तो इस लॉन्चर को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली डाउनलोड करके इसको आपको ओपन करना है, तो जो भी स्टेप मैं आपको बताऊं वो फॉलो कीजिए। ओपन करके आपको यहां स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा, तो ये आपका लॉन्चर एक्टिवेट हो जाता है। इसको बाय डिफॉल्ट पर पहले सेट करना होगा, तो उसके लिए आपको पहले एक बार बीच वाला बटन प्रेस करना है, जिसके बाद आपको यूलाइट लॉन्चर देखने को मिलेगा, इस पर सेलेक्ट कर देना। तो आप देखेंगे यहां पर आपको सेलेक्ट हो चुका है, फिर से बीच बटन को प्रेस कीजिए, यहां ऊपर की ओर आपको देखने को मिलेगा यूलाइट लॉन्चर, अब आपको ऑलवेज पर क्लिक कर देना। तो आप बीच वाले बटन को प्रेस कराएंगे तो कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। तो इस तरह से तो आपका ये बाय डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन हाइड करने के लिए अपनी स्क्रीन पर इस तरीके से पिंच आउट करना है। पिंच आउट करके सेटिंग देखने को मिलेगी, यहां क्लिक करना है, एक पासवर्ड बना लीजिए, यहां पे आपको पासवर्ड बनाना है, कोई भी 4 अंक का एक्सेस कोड बना सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ इस आइकन पर क्लिक कीजिए, उन्हें ऐप्स के लिए सेलेक्ट कीजिए जो कि आप इस फोन में हाइड करना चाहते हैं। तो कौन कौन से एप्लीकेशन हाइड करना है यहाँ आके आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सेलेक्ट करके ओके कीजिए, तो यहाँ पे आपके वो ऐप्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने हाइड करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये हाइड हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर यहाँ आएंगे तो वो ऐप्स आपने हाइड करके रखे हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हाइड कर पाएंगे। अब अनहाइड करना है और एक्सेस करना है, तो सिंपली 2 फिंगर से इस तरीके से पिंच आउट कीजिए, जो भी लॉक आपने बनाया था वो ये लॉक डाल दीजिए। यहाँ पे आपके हाइड ऐप्स देखने को मिलेंगे, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब अनहाइड करना है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह से अनसेलेक्ट करके आप इनको ओके कर दीजिए, तो अनहाइड भी हो जाएंगे।